रीवा में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। भाइयों पर ही मासूम बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप। इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां परिजनों के आरोप के मुताबिक रिश्ते के भाइयों ने ही 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी भी महज 8 और 9 साल के ही है। परिजनों का आरोप है कि इस घटना में बच्ची के मामा और मौसी का लड़का भी शामिल था, जबकि वारदात के पहले एक लड़की ही बच्ची को बुलाकर अपने साथ लेके गई थी। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्ची ने अपनी मां को सारी बात बताई। बच्ची की मां का कहना है कि जब मैंने तहकीकात की तो ये पता चला कि मेरी बच्ची के साथ गलत काम किया गया है, जिसके बाद बच्ची के माता पिता उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। पीड़िता की मां का कहना है कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बीते शाम वो अपनी बच्ची को नानी के यहाँ छोड़कर चली गई थी। जब वह लौटकर वापस आई तो बच्ची ने अपने साथ हुई घटना के बारे में मां को बताया, जिसके बाद बच्ची के माता पिता बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे और वहीं पहुंचकर पूरी घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चौरहटा भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची के परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्ची के परिजनों से घटना की जानकारी पुलिस को मिली है। सूचना मिलने के बाद हमने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।